फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आज की हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन ऑफ चैप्टर नंबर थर्टी टू ऑफ एस सी वर्मा से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन इज अ कैपेसिटेंस सी अ रेजिस्टेंस आर एंड एन ई एम एफ ई आर कनेक्टेड इन सीरीज एट टी इक्वल टू जीरो वट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर वट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करेंट इन द सर्किट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर कन्वर्टेड इन टू हीट तो फ्रेंड्स इतनी सारी क्वेश्चन है इसमें हमें क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक सेल uh, कनेक्टेड है जिसका ई एम एफ जो है वो हमें ई e दिया हुआ है राइट right? और उस रजिस्टर uh, में एक रजिस्टेंस सॉरी उस सर्किट में एक रजिस्टेंस है आर और एक कैपेसिटर उससे कनेक्टेड है जिसकी कैपेसिटेंस है सी राइट right? ये रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटेंस सी और ये बैटरी सब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है राइट right? तो सर्किट में एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो मतलब सपोज़ हम लोग यहाँ पर एक स्विच बना लेते हैं ऐसे राइट right? ये ये वायर का एक मिनट हम इसको सही डायग्राम में बना देता हूँ यहाँ पर ये ये यहाँ पर वायर नहीं है ये सपोज़ करिएगा आप लोग यहाँ पर वायर नहीं है ये सपोज ये स्विच है राइट ये ई एम एफ़ ई बैटरी का ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटेंसी एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो हमने ये स्विच को क्लोज़ कर दिया राइट अब हमने ये स्विच को क्लोज़ किया तो इससे कुछ करंट फ्लो ही होगी फ़्लो हुई होगी राइट एट टी इक्वल टू ज़ीरो कुछ करंट फ्लो हुआ होगा तो सपोज करते हैं आई करंट फ्लो हुआ है तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर एट टाइम टी इक्वल टू जीरो मतलब जैसे ही स्विच क्लोज किए ये जो कैपेसिटेंस है इसमें चार्ज इनिशियली नहीं है तो ये एक सिंगल स्ट्रेट वायर की तरह ये बिहेव करेगा राइट right? तो और इसका कुछ सिंगल स्ट्रेट वायर है तो इसमें हमें पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कितना हो जाएगा ई एम एफ ऑफ द बैटरी के बराबर राइट right? तो देयर आर फॉर पोटेंसियल डिफरेंस एक्रॉस रजिस्टर विल बी इक्वल्स टू ई एम एफ ऑफ द बैटरी विच बी इक्वल टू ई राइट सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में मैं पूछ रहा है एट टी इक्वल टू जीरो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करेंट इन द सर्किट मतलब जैसे ही स्विच को क्लोज किए तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना फ्लो हुई होगी सर्किट में राइट right? हम लोग जानते हैं कि करंट की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज़ करते जाएगी इस सर्किट में क्यों क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा उसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते बढ़ते ये करंट को एट ए टी इक्वल टू इन्फिनीटी जो है टी इक्वल टू इन्फिनिटी जो करंट है वो जीरो हो जाएगी राइट टी टेंस टू इन्फिनिटी तो करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी राइट right? तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कब कहेंगे एट टी इक्वल टू जीरो पर टी इक्वल टू जीरो पर ये कैपेसिटेंस जो है सिंगल वायर की तरह हम लोग कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि कैपेसिटेंस इनिशियली अनचास है तो देआर फोर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल बी इक्वल्स टू आई विच विल बी इक्वल्स टू नेट ई एम एफ बाई नेट रजिस्टेंस ई बाई आर सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन थर्ड पार्ट में फ्रेंड्स हमें कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, फ्रेंड्स इसके अक्रॉस कितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जेनरेट होगा अक्रॉस द कैपेसिटर वो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स ये मैक्सिमम वैल्यू इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा जब ये पूरी तरीके से चार्ज होगा मतलब टी टेंस टू इन्फिनिटी पर तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी के बराबर ही होगा देअर फोर मैक्सिमम वैल्यू Of potential difference across uh, capacitor is equals to E, right? So this is the answer of third part. Now let's move to fourth part of the question. The energy stored in the what is the maximum value of energy stored in the capacitor? Maximum value of energy stored. So maximum value of energy stored. विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर होता है हम लोग जानते हैं सी इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट तो सी तो कांस्टेंट है लेकिन वी जैसे जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस इंक्रीज करते जाएगा एनर्जी स्टोर्ड की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ करते जाएगी राइट तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर मैक्सिमम कब होगा हमने निकाला है ई e होगा राइट तो इट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ सी ई स्क्वायर सो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रेंड्स फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का रहा है वट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर सॉरी वट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर डिलीवर्ड बाई द बैटरी तो दे फोर पावर डिलीवर्ड मतलब कि हम लोग को पी मैक्स निकालना है पावर डिलीवर्ड यहाँ बाई बैटरी छूट गया बाय बैटरी मतलब मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी हमें निकालना है तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट थ्रू द बैटरी होता है और पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है ई e, लेकिन करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ई बाई आर तो तभी तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी मैक्सिमम होगा तो इट मीन्स ई इन टू ई बाई आर विच विल कम आउट ई स्क्वायर बाई आर सो दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सिक्स पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रेंड्स का रहा है वाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर कन्वर्टेड इंटू हीट फ्रेंड्स हीट कॉन्सेंट्रेट करेगा यह रजिस्टर राइट right? तो मैक्सीम वैल्यू ऑफ पावर कन्वर्टेड इंटू हीट हमें यह निकालना है इंटू हीट वो हमारे पास कितना होगा हम लोग जानते हैं हीट का फॉर्मूला डेवलप्ड एकर सॉरी डेवलप्ड एक मिनट ये जो हमें हीट निकालना है रजिस्टर रजिस्टर जो है इस सर्किट में हीट डेवलप करेगा तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं रजिस्टर से पावर कितना मतलब कंज्यूम कर रहा है तो इट विल कम आउट ई इन टू आई राइट फ्रेंड्स जो रजिस्टर जो पावर कंज्यूम करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट होता है राइट right? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है e ई है और करंट इससे मैक्सिमम कितनी फ्लो कर रही होगी ई बाय आर ई बाय आर इट विल कम आउट ई स्क्वायर बाय आर सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 61 नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 62 फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन 1 मिलीमीटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी द रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ टेन किलो ओम फाइंड द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट तो फ्रेंड्स पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं सर्किट डायग्राम में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है राइट right? और इस कैपेसिटर का हमारे पास वो इसको क्या कहते हैं उसको प्लेट एरिया प्लेट एरिया वो हमारे पास गिवन है ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर तो फ्रेंड्स इट विल कम आउट ट्वेंटी इंटू टेन पे पावर माइनस टू मीटर का सॉरी टेन पावर माइनस फोर हो जाएगा यहाँ पर टेन पे पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर होगा आप लोग ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे टेन पावर माइनस टू और लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो माइनस टू इंटू टू माइनस फोर मीटर स्क्वायर राइट इसे हम थोड़ा और सिम्पलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री मीटर स्क्वायर राइट प्लेट एरिया हमारे पास इतना दिया हुआ है प्लेट सेपरेशन प्लेट सेपरेशन ये दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है प्लेट सेपरेशन वो हमें दिया हुआ है वन मिलीमीटर वन एम एम इट मीन्स टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर राइट और आगे हमें कह रहा है इज कनेक्टेड टू अ बैटरी द रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ टेन किलो ये जो कैपेसिटर है वो एक बैटरी से कनेक्टेड है सपोज ये बैटरी से कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है वो हमारे पास टेन किलो ओम का है इट मीनस टेन थाउजेंड ओम्स का है टेन थाउजेंड ओम्स राइट तो फ्रेंड्स इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होगा वो हमें निकालना है टाइम कांस्टेंट फ्रेंड्स हम लोग जाते हैं टाओ टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम कांस्टेंट को राइट right? तो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस होता है राइट right? नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंटू नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट राइट तो friends, हम लोग को रजिस्टेंस तो मालूम है टेन थाउजेंड लेकिन कैपेसिटेंस नहीं मालूम है तो फ्रेंड्स हम लोग एक सी का फॉर्मूला जानते हैं कैपेसिटेंस निकालने का सी इक्वल्स टू एप्सलर नॉट ए बाई डी राइट वेयर एप्सल नॉट इज द दब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स दैट इज टू इंटू टेन टू द पॉवर माइनस थ्री मीटर स्क्वायर एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डेट इज टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर तो फ्रेंड्स अब हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं एप्सलन नोट की वैल्यू होती है एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व राइट एरिया हमें दिया हुआ है टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री बाई यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स तो इट विल कम आउट टेन टू द पावर माइनस थ्री इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू आएगी सेवनटीन पॉइंट सेवन इंटू टेन पावर माइनस टूवल्व विच विल कम आउट वन पॉइंट सेवन सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस इलेवन और कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फराड तो एफ यहाँ पर राइट अब हम लोग टाइम कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं, तो देअर फोर टावर इज इक्वल्स टू टाइम कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू आर सी तो टाइम कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू रजिस्टेंस की वैल्यू टेन थाउजेंड ओम है मतलब टेन पे पावर फोर ओम्स इंटू कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज वन पॉइंट सेवन सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस इलेवन राइट right? तो यहाँ से हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट सेवन सेवन इंटू दी पावर माइनस सेवन फ्रेंड्स ठीक है सेकेंड राइट ये टाइम कॉन्स्टेंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकेंड होता है राइट सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस टेन माइक्रो फराड इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ ई एम एफ टू वोल्ट इट इज फाउंड फिफ्टी मिली सेकेंड फॉर द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर टू बीम टू 12.6 सिक्स माइक्रोकुलम फाइंड द रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट तो फ्रेंड्स हम लोग पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं एक कैपेसीटर जिसे कैपेसीटेंस दिया हुआ है टेन माइक्रो फ्राड यह सपोज एक कैपेसीटर है इसका कैपेसीटेंस है टेन माइक्रो इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ई एम एफ टू वोल्ट उसको एक एक बैटरी जिसकी ई एम एफ है टू वोल्ट उसके साथ हम लोग कनेक्ट कर दिए इट इज़ फाउंड दैट इट टेक्स फिफ्टी मिली सेकेंड फॉर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर टू बिकम ट्वेल्व पॉइंट सिक्स माइक्रोकुलम फाइंड द रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सपोज इसमें एक रजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पर जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है तो सपोज इसकी वैल्यू हम लोग कंसिडर कर लेते हैं आर राइट रजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग कंसिडर कर लेते हैं आर और हमें यहीं आर की वैल्यू निकालनी है राइट right? और क्वेश्चन में हमें आगे ये कह रहा है कि कैपेसिटर तो इनिशियली पहले अनचार्ज स्टेट में ही होगा लेकिन जैसे ही इसको इस सर्किट में कनेक्ट करेंगे इस कैपेसिटर को इस पर धीरे धीरे चार्ज इंक्रीज करने लगता है तो देयरफॉर हम लोग एक चीज़ जानते हैं एक आरसी सर्किट इसे हम लोग आर सर्किट करते कहते हैं राइट आर सर्किट में चार्जिंग ऑफ कैपेसीटर का फॉर्मूला होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आर सी सर्किट ये कैपेसिटर जो है पहले इनिशियली अनचार्ज था अब चार्ज हो रहा है इसीलिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट इसका फॉर्मूला होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, क्यू टी इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई टाओ राइट वेयर टाउ इज द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट टाओ इक्वल टू होता है रजिस्टेंस इंटू राइट ये हमें याद रखना है और Q नॉट की वैल्यू होती है कैपेसिटेंस इनटू पुट इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी राइट तो E राइट ई एम एफ ऑफ द बैटरी को लिखेंगे राइट right? अब यहाँ पर हमें चार्ज एट टाइम 50 मिली सेकेंड कितना दिया हुआ है 12.6 पॉइंट सिक्स 12.6 टवेल्व पॉइंट सिक्स इंटू पावर माइनस सिक्स राइट ये चार्ज हमें दिया हुआ है टाइम 50 मिली सेकेंड्स में राइट right? और नॉट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सी इंटू ई तो सी की वैल्यू टेन माइक्रोफ्राड टेन इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स इंटू ई हो जाएगा टू इंटू वन माइनस ई पे पावर माइनस टी तो टाइम हमारे पास है फिफ्टी मिली सेकेंड मतलब फिफ्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री सेकेंड बाई टाउ राइट ये हुआ टेन पावर माइनस सिक्स कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर जीरो पॉइंट सिक्स थ्री इज इक्वल्स टू वन माइनस ई पे पावर माइनस फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस टू बाई टाउ राइट यहां से हम लोग को सॉल्व करते हैं ये ई e वाला टर्म से इसको इधर भेजेंगे और जीरो पॉइंट सिक्स थ्री को उधर लेके आएंगे तो ई पे पावर माइनस फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू बाई टाउ इज इक्वल्स टू वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स थ्री उट जीरो जीरो पॉइंट थ्री सेवन है इसका वैल्यू होता, होता है टू पॉइंट सेवन तो वन वन बाई टू पॉइंट सेवन करेंगे तो इसका वैल्यू आता है जीरो पॉइंट थ्री सेवन तो यहाँ से तो फ्रेंड्स हम लोग ने देखा कि वन बाई का वैल्यू होता है जीरो पॉइंट थ्री सेवन अब आगे बढ़ते हैं ई पे पावर माइनस फाइव इंटू टेन टू दी माइनस टू बाई टाउ इज इक्वल्स टू वन बाई ई लिखेंगे क्योंकि इतना वैल्यू इतना आया था और इसका वैल्यू ये आया और ये चीज़ जो होता है वो वन बाई ई होता है राइट right? इसकी हम ये चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा ई e जो है होता है नेपियर्स कॉन्स्टेंट इसका वैल्यू टू पॉइंट सेवन वन तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ई e पे पावर माइनस फाइव इंटू टेंट माइनस टू बाई टाउ इज टू ई पे पावर माइनस वन लिखेंगे राइट right? अब बोर्ड साइड में देख रहे हैं ई e पे पावर एक्स इज टू ई पे पावर वाई तो इसका मतलब एक्स इक्ल्स टू वाई होगा इट मीन्स माइनस फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस टू बाई टाउ इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ जाएगा टाउ विल बी इक्वल्स टू फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस टू अब फ्रेंड्स ये जो टाउ है इसका वैल्यू होगा आर इंटू सी तो रेजिस्टेंस का वैल्यू तो हमें पता नहीं है लेकिन कैपेसिटेंस का हमें वैल्यू पता है आर इंटू सी इक्वल्स टू फाइव इंटू पावर माइनस टू राइट रेजिस्टेंस का हमें वैल्यू निकालना का है का वैल्यू है टेन इंटू टेन पे पावर माइनस सिक्स टेन माइक्रोफोराड हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है इट विल कम इक्वल टू फाइव इंटू टेन पे द पावर माइनस टू तो यहाँ से आर विल बी इक्वल्स टू फाइव इंटू टेन पे पावर माइनस टू बाई टेन इंटू टेन पे पावर माइनस सिक्स जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा फाइव थाउजेंड ओम इट मीन्स फाइव किलो ओम सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री नाव लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर इज अ ट्वेंटी माइक्रो फ्राड कैपेसीटर इज ज्वाइन टू अ बैटरी ऑफ ई एम एफ सिक्स वोल्ट थ्रू अ रजिस्टेंस ऑफ हंड्रेड ओम फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर टू मिली सेकेंड्स आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड सो फ्रेंड्स पहले हम लोग इस क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम बनाते हैं एक ट्वेंटी माइक्रो का कैपेसिटर है ट्वेंटी माइक्रो और आगे लिखा है इज ज्वाइंट टू अ बैटरी ऑफ ई एम एफ सिक्स वोल्ट एक बैटरी है जिसका ई एम एफ सिक्स वोल्ट है उसके साथ ये ज्वाइंट है थ्रू अ रजिस्टेंस ऑफ हंड्रेड ओम और ये जो कॉम्बिनेशन है ये हंड्रेड ओम रजिस्टर से ज्वाइंड है हंड्रेड ओम राइट आगे में क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर टू मिली सेकेंड आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड जैसे ही हम लोग ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो दो मिली सेकेंड के बाद इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है तो टाइम हमें टू मिली सेकेंड मतलब टू इंटू टू द पावर माइनस थ्री सेकेंड्स के बाद इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज स्टोर होगा वो हमें कैलकुलेट करना है तो फ्रेंड्स पिछले क्वेश्चन वाला जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ किए थे क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई टाउ उसे हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर पहले इनिशियली अनचार्ज था अब वो धीरे धीरे चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग के कंडीशन में ये फॉर्मूला होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर यहाँ पर क्यू नॉट जो है वो सी ई के बराबर आता है ई एम एफ ऑफ द बैटरी इन टू कैपेसिटन तो क्यूनोट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ट्वेंटी इंटू टें दावर माइनस सिक्स इंटू सिक्स ई एम एफ ऑफ द बैटरी इट विल कम आउट वन ट्वेंटी इंटू टेन टू माइनस सिक्स राइट तो वैल्यू में वन ट्वेंटी इंटू टेन पावर माइनस सिक्स निकल गया तो क्यू विल बी इक्वल्स टू क्यूनोट क्या है वन ट्वेंटी इंटू टेन पे पावर माइनस सिक्स इंटू वन माइनस ई पे पावर माइनस टी टी इज द टाइम टू मिली सेकेंड टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री राइट बाय टाओ टाओ होता है टाइम कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा है टाउ इज इक्वल्स टू होता है रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस राइट तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है हंड्रेड ओम हंड्रेड इंटू कैपेसिटेंस है ट्वेंटी माइक्रो फराड ट्वेंटी इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स फराड अब इन सभी वैल्यू को हमें सॉल्व करना और क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्यू विल बी इक्वल्स टू यहाँ से हम लोग देखेंगे वन ट्वेंटी इन टू टेन टू द पावर माइनस सिक्स इंटू वन माइनस ई पे पावर माइनस ये हो जाएगा टेन पे पावर माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री तो ये सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ से राइट ये आप लोग कर लीजिएगा ये वैल्यू वन तो ई पे पावर माइनस वन ये मैंने शॉर्टकट में बहुत कर दिया आप लोग लॉन्ग कट मेथड से इसको करके देख लीजिएगा इतना ही वैल्यू आएगा राइट इट विल कम आउट वन ट्वेंटी इंटू टेंट दी पावर माइनस सिक्स इंटू वन माइनस वन बाई ई राइट और वन बाई ई का मैंने पिछले क्वेश्चन में वैल्यू बताया है उसकी वैल्यू होती है ज़ीरो पॉइंट थ्री सेवन उसे हम यहाँ पुट करेंगे और इस टोटल का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 76 micro coulomb. So, friends, this is the answer of question number 64. Now, let's move to question number 65. Friends, question number 65 is The plates of a capacitor of capacitance 10 microfarad, charged to 60 micro coulomb, are joined together by a wire of resistance 10 ohm at t equals to zero. Find the charge on the capacitor in the circuit at t equal to zero. टी इक्वल टू थर्टी माइक्रो सेकंड टी इक्वल टू वन ट्वेंटी माइक्रो सेवेंड माइक्रो सेकंड एंड टी इक्वल टू वन मिली सेकेंड फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हुए समझते हैं तो पहले हमारे पास एक कैपेसीटेंस दिया हुआ है राइट जिसकी सॉरी कैपेसीटर दिया हुआ है जिसकी कैपेसीटेंस uh, है टेन माइक्रो फ्राड राइट और उसे हम लोग इनिशियली चार्ज दिए हुए हैं इसको सिक्सटी माइक्रोकुल का राइट इसकी कैपेसिटेंस है टेन माइक्रो और इसे हम इनिशियल चार्ज दिए हुए हैं क्यू इक्वल टू सिक्सटी माइक्रोकम का और इसके जो दोनों टर्मिनल्स है उसे हम एक रेजिस्टेंस से ज्वाइन कर दिए हैं राइट और रेजिस्टेंस से ज्वाइन किए हैं जिसकी रेजिस्टेंस दी हुई है टेन ओम तो फ्रेंड्स अब ये सर्किट जैसे ही हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे इसके ऊपर कुछ चार्ज है तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके कारण इस सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा जैसे जैसे टाइम टी की वैल्यू बढ़ते जाएगी टाइम की वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा तो डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का डैट चार्ज एट टाइम टी ऑन द कैपेसिटर इज़ गिवेन बाई क्यू नॉट इज़ इन टू ई पे पावर माइनस टी बाई टाउ ये हम लोग डिस्चार्जिंग के स्टेट में ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं राइट डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं चार्ज एट एनी टाइम टी इज़ गिवन बाई क्यू नॉट इंटू ई पे पावर माइनस टी बाई टाओ वेयर क्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी वी राइट और यहाँ से आ जाएगा t सॉरी टाओ होता है हमारे पास आर सी राइट फ्रेंड्स यहाँ पर जो V है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर हम लोग कैसे निकालेंगे हमें चार्ज दी हुई है कैपेसिटेंस दी हुई है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा तो Q इक्वल टू सी वी हम लोग जानते हैं चार्ज दी हुई है हमारे पास सिक्सटी माइक्रोकुलम सिक्सटी इंटू टेन पे पावर माइनस सिक्स कुलम और C कैपेसिटेंस दी हुई है टेन इंटू टेन पे पावर माइनस सिक्स वोल्ट सॉरी कैप फ्राड इंटू ये वी तो टेन पावर माइनस सिक्स टेन पावर माइनस सिक्स कैंसिल हो तो यहां जाएगा तो यहाँ से वी का वैल्यू आ जाएगा सिक्स वोल्ट राइट तो हमारे पास यहाँ पर वी का वैल्यू हम लोग सिक्स वोल्ट रखेंगे तो क्यू नोट का वैल्यू निकाल लेते हैं क्यू नोट होता है सी वी सी है हमारे पास टेन माइक्रो फ्राड और वी आ गया सिक्स वोल्ट तो ये हो जाएगा सिक्सटी इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स कुलम राइट और टाओ की वैल्यू निकाल लेते हैं टाइम कॉन्स्टेंट वो होता है रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस है टेन ओम कैपेसिटी टेन माइक्रोफ्राट तो इट विल कम आउट हंड्रेड इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स सेकेंड्स राइट इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई अब फ्रेंड्स हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कहा गया है एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा वो हमें फाइंड करना है तो हम लोग टी इक्वल टू जीरो इस फॉर्मुला में पुट करेंगे तो आएगा क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई पे पावर माइनस जीरो बाई टाउ इट मींस क्यू नॉट इंटू ई पे पावर माइनस जीरो या फिर ई पे पावर जीरो ई पावर जीरो कितना होता है वन तो इट विल कम आउट क्यू नॉट तो क्यू नॉट की वैल्यू हमने निकाली है सिक्सटी इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स कुलम इट मीन्स सिक्सटी माइक्रोकुलम तो टी इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग स्विच क्लोज किए वैसे ही तुरंत एक भी सेकेंड मतलब पॉइंट वन सेकेंड पॉइंट वन किया मतलब एक भी टाइम का अभी घड़ी आगे भी नहीं बढ़ा कि उस पर चार्ज कितना होगा तो चार्ज जितना इनिशियली था उतना ही होगा सिक्सटी माइक्रोकुलम सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ़ द क्वेश्चन फ्रेंड्स सेकेंड पार्ट ऑफ़ द क्वेश्चन है एट टी इक्वल टू थर्टी माइक्रो सेकेंड्स पर हमें चार्ज निकालनी है तो टी इक्वल टू थर्टी माइक्रो सेकेंड्स तो इसको हम लोग लिखेंगे थर्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स सेकेंड्स राइट तो चार्ज होता है क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई पे पावर माइनस टी बाई टाउ ठीक है फ्रेंड्स तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्यू नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर सिक्सटी इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स सिक्सटी इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स इंटू ई पे पावर माइनस टी तो टी हम लोग थर्टी इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स लिए हुए हैं और बाई टाओ टाओ की वैल्यू हमने निकाली थी हंड्रेड इंटू टेन पावर माइनस सिक्स हंड्रेड इंटू टेन पे पावर माइनस सिक्स इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सिक्सटी इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स बाई ई पे पावर थ्री बाई टेन राइट इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा फोर्टी फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स कुलम इट विल कम आउट फोर्टी फोर माइक्रो कुलम राइट सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रेंड्स अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालें ये तो थोड़ा मुश्किल है तो ये आप लोग को याद रखने का या फिर इसका वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये आप लोग को जानना जरूरी नहीं क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर जेई मेंस में आता है या कोई भी कंपिटेटिव एग्ज़ाम या बोर्ड्स एग्ज़ाम में आता है तो ऐसा वैल्यू हमें इसका वैल्यू हमें साइड में दिया रहता है राइट या फिर इस ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे वो उसका हम लोग को साइड में एक बॉक्स बना करके हमें दिया रहेगा कि इसका वैल्यू इतना होता है इसका वैल्यू कितना होता है वो हमें दिया रहता है राइट right? तो हमें इसका वैल्यू निकालने का या फिर याद रखने का ज़रूरत नहीं है सो so फ्रेंड्स अब हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ़ द क्वेश्चन मूव करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ़ द क्वेश्चन कर रहा था एट एटी इक्वल टू वन ट्वेंटी माइक्रो सेकेंड्स पर हमें निकालना है चार्ज सो फ्रेंड्स वन ट्वेंटी माइक्रो सेकेंड मतलब वन इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स सेकेंड्स राइट right? इस इतना पे हमें चार्ज निकालना है तो देयर फोर क्यू इज़ इक्वल्स टू क्यू नॉट इनटू ई पे पावर माइनस टी बाई टाउ तो क्यू नॉट हो जाएगा हमारे पास वैल्यू हम लोग ने निकाला है सिक्सटी इंटू टेन पावर माइनस सिक्स तो यहाँ से सिक्सटी इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स ठीक है और इंटू ई पे पावर माइनस टी टी हमें दिया हुआ है वन ट्वेंटी इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स सेकेंड्स बाई टाउ टाउ की वैल्यू हमने निकाली थी हंड्रेड इंटू टेन पावर माइनस सिक्स तो यहाँ से हंड्रेड इंटू टेन पे पावर माइनस सिक्स ये कैंसिल ये हो गया ये कैंसिल हो गया तो इट विल कम आउट सिक्सटी इंटू टेन पे पावर माइनस सिक्स बाई ई पे पावर वन पॉइंट टू इसका वैल्यू आएगा हमारे पास एटीन माइक्रोकुलम राइट सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रेंड्स फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें कहा है चार्ज निकालना है एट टी इक्वल टू वन मिली सेकेंड तो टी इक्वल टू वन मिली सेकेंड राइट इस पर हमें चार्ज निकालना है तो इट विल कम आउट वन मिली सेकेंड को हम लोग लिखेंगे टेन टू दावर माइनस थ्री सेकेंड्स राइट तो देअर फोर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस टी बाई टाउ इट विल कम आउट क्यू नॉट की वैल्यू हमने निकाली है सिक्सटी इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स इंटू ई पे पावर माइनस टी टेन टू द पावर माइनस थ्री बाई टाओ टाओ की वैल्यू हमने निकाली थी हंड्रेड इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सिक्सटी इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स बाई ई पे पावर ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर थाउजेंड आ जाएगा बाई टेन आ जाएगा राइट तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास छूट गया था ये हंड्रेड है ये ऊपर जाएगा तो वन थाउजेंड ये एक और जीरो हंड्रेड का एक और जीरो का ये कैंसिल हो जाएगा तो सिक्सटी इंटू टेन पावर माइनस सिक्स बाई ई पे पावर टेन इसका वैल्यू आ जाएगा जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री इंटू टेंस कुलम इट विल कम आउट जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री माइक्रो कुलम सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस एट माइक्रो फराड इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ई एम एफ सिक्स वोल्ट थ्रू अ रजिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फोर ओम फाइंड द करेंट इन द सर्किट जस्ट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड एंड वन टाइम कॉन्सटेंट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड तो फ्रेंड्स पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं एक कैपेसीटर दिया हुआ है जिसकी कैपेसीटेंस है ये एट माइक्रो फ्राड राइट और वो कनेक्टेड एक बैटरी से जिसकी ई एम एफ दी हुई है हमारे पास सिक्स वोल्ट थ्रू अ रजिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फोर ओम और ये जो है एक रजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है जिसकी रजिस्टेंस है ट्वेंटी फोर ओम राइट और हमें कह रहा है फाइंड द करेंट इन द सर्किट जस्ट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड तो फर्स्ट पार्ट में हमें करेंट निकालना है सर्किट में जैसे ही हम लोग ये करेक्शन कनेक्शन करेंगे उस समय करंट कितना होगा तुरंत के तुरंत राइट right? तो करेंट इन द सर्किट हमें निकालना है फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग सर्किट में ये कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो इनिशियली तो ये कैपेसिटर अनचार्ज स्टेट में है तो ये जो इनिशियली ये एक सिंगल वायर की तरह बिहेव करेगी क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इसके अराउंड कोई पोटेंशियल डिफरेंस अपना नहीं होगा तो देयर फॉर इट विल बिहेव लाइक अ सिंगल वायर तो सिंगल वायर है तो करंट इन द सर्किट विल बी गिवन बाय नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट बाय नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट नेट ई एम एफ बाई नेट रजिस्टेंस नेट ई एम एफ है सिक्स वोल्ट और नेट ई एम एफ होगी सॉरी नेट ई एम एफ वोल्ट और नेट रजिस्टेंस हो गया ट्वेंटी फोर ओम तो इट विल कम आउट वन बाई फोर एम पियर सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें फ्रेंड्स कर रहा है फाइंड द करेंट इन द सर्किट आफ्टर वन टाइम कॉन्स्टेंट आफ्टर द कनेक्शन आर मेड तो टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट टाओ पहले हम लोग ये निकालते हैं तो इट विल इट इज़ गिवन बाई आर इंटू सी रजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस रजिस्टेंस हमारे पास ट्वेंटी फोर ओम और कैपेसिटेंस है एट इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स सॉरी एट इंटू टेन पावर माइनस सिक्स अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी वन नाइन्टी टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स सेकेंड्स इट मीन्स वन नाइन्टी टू सेकेंड सॉरी माइक्रो सेकेंड टेन पावर माइनस सिक्स सेकेंड को माइक्रो सेकंड मतलब क्वेश्चन में हमें सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें यह कह रहा है कि जब एक टाइम कॉन्स्टेंट बीत जाए तब करंट कितना होगा सर्किट में एक टाइम कॉन्स्टेंट बीत जाए मतलब 192 नाइन्टी टू माइक्रो सेकेंड के बाद 192 नाइन्टी टू माइक्रो सेकेंड के तुरंत बाद करंट कितना होगा सर्किट में वो हमें कैलकुलेट करना है तो फ्रेंड्स चार्जिंग स्टेट में जब यह कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उस स्टेट में करेंट इन सर्किट करेंट जो होती है सर्किट में इज गिवेन बाई आई इज इक्वल्स टू आई नॉट आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इन टू ई पे पावर माइनस टी बाई टाउ राइट वेयर आई नॉट इज इक्वल्स टू वी बाई आर ठीक है फ्रेंड्स तो चार्जिंग करंट ये अभी कैपेसिटर चार्ज होगा क्योंकि पहले इनिशियली अनचार्ज था धीरे धीरे ये चार्ज हो जाएगा तो चार्जिंग करंट जो है उसका फॉर्मूला ये होता है तो आई नॉट की वैल्यू निकालते हैं आई नॉट मतलब वी वी है सिक्स वोल्ट और बाय रेजिस्टेंस है ट्वेंटी फोर तो इट विल कम आउट वन बाई फोर एम्पियर राइट आई नॉट की वैल्यू हमारे पास वन बाई फोर एम्पियर हो गई टाव जो है हमने निकाला है वन नाइनटी टू माइक्रो सेकेंड ठीक है तो देअर फोर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट की वैल्यू हमने क्या रखी है वन बाई फोर इंटू ई पे पावर माइनस टी टी हमें क्या लेना है वन टाइम कॉन्स्टेंट मतलब वन नाइनटी टू माइक्रो सेकेंड तो वन नाइनटी टू माइक्रो सेकेंड्स ठीक है बाई टाउ टाउ मतलब इसका टाइम कॉन्स्टेंट कितना है इस सर्किट का तो टाइम कॉन्स्टेंट भी तो वन नाइन्टी टू माइक्रो सेकंड है तो वन नाइन्टी टू माइक्रो सेकंड यह कट जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी वन राइट right? तो इसे हम लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू वन बाई फोर इंटू ई पे पावर माइनस वन इट विल कम आउट वन बाई फोर ई इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट जीरो नाइन एम पीयर सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स फ्रेंड्स आज की हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन से लेकर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है अगली वीडियो में हम लोग आगे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब तक के लिए आप इन सब क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर बाय माई वीडियोज देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू